व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ स्क्रीन अनलॉक सेटिंग मी बैंड HRX एडिशन के थ्रू। ठीक है, मीन्स मी बैंड से हम एंड्रॉयड का कौन कौन सा फ़ोन स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि S8 पे हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। यूजुअली बहुतों का ये कमेंट्स में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या सिर्फ मी डिवाइसेज ही हम अनलॉक कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन आप अनलॉक कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सेटिंग्स करने होंगे आपको, उसके बाद इजीली आप अनलॉक कर सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मी डिवाइस में मी फिट में चलते हैं एंड देखते हैं हमारा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, डेटा इज़ सिंकिंग। सो नाउ यहाँ हमें स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेटिंग्स करना होगा, गो टू सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी में हमें इसको अप्रूव करना होगा इस डिवाइस को। तो स्मार्ट लॉक सिक्योरिटी में जाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ट्रस्टेड डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे ऐड ट्रस्ट डिवाइस एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मी बैंड HRX, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यस ये ऐड कर दिया। सो अब ये अनलॉक कैसे होगा, जब दोबारा से भी हम यहाँ पर जाएंगे तो ये ऐसा ही हमें ऑप्शन दिखने को मिलेगा एंड यहाँ स्क्रीन लॉक ऑफ ही मिलेगा। बट मैंने इस फ़ोन को ऑन ऑफ किया, अब इसको मुझे अनलॉक करना है। स्वाइप किया मैंने, अनलॉक हो गया। ठीक है, कैसे अनलॉक हो गया, क्योंकि डिवाइस कनेक्ट है। मैंने ऑन किया, स्वाइप किया, ये अनलॉक हो गया क्योंकि ये मी बैंड इससे कनेक्टेड है। बट अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, मैंने यहाँ से ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, अब मैंने इसको अनलॉक किया, पासकोड। ठीक है, नाउ जैसे मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, यहाँ पे आ गया ये डिवाइस इतना इतना करेंटली विजिबल टू इतना, मैंने इसको सेलेक्ट करके डन कर दिया। ओके, अब अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, मैंने फ़ोन को अपना लॉक किया, अब मैं सिर्फ स्वाइप टू अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, स्वाइप टू अनलॉक हो गया क्योंकि मी बैंड हमारा कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है, आप देख सकते हो हाँ बैंड इज़ कनेक्टेड। तो ये जब भी रेंज में रहेगा तो ये आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो ये आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में ईजिली कर सकते हो। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा चैनल पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।